अखिलेश यादव ने आज कौन सा अपना ट्वीट डिलीट किया, क्या था उस ट्वीट का मजमून और कैसे वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आए, हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि स्वतंत्र देव सिंह ने सरतन से जुदा की एक बात पर किस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है, यह भी जानिए। साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने कैसे खोला है मोर्चा, यह भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में यह देखिए कि अब जबकि बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है तो कैसे लोगों की बढ़ रही है परेशानियां। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सबसे पहले आज अखिलेश यादव के इस ट्वीट की बात जो कि डिलीट की जा चुकी है। आज अखिलेश यादव का एक ट्वीट चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीजेपी सिर्फ ओबीसी का वोट लेना जानती है, उन्हें हक देना नहीं। पहले देखिए यह ट्वीट और कुछ देर बाद इसे डिलीट कर दिया गया। आखिर ट्वीट डिलीट क्यों हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सुनिए इस ट्वीट के बाद किशोर मौर्य ने कैसे अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मैं श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी आप नहीं समझते हैं, लगता है मैं समझता हूँ। वह पिछड़े वर्ग का कभी हित नहीं चाहते, वो पिछड़े वर्ग का वोट चाहते हैं और उस वोट के आधार पर एक बार वह मुख्यमंत्री भी बन गए थे, लेकिन उनका असली चेहरा प्रदेश का पिछड़ा वर्ग हो चाहे अगड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित वर्ग हो, सभी ने पहचान लिया है और इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बंद किया है और उन्हें सत्ता के लायक नहीं विपक्ष में बैठाया, लेकिन वो विपक्ष का भी दायित्व तो अपना ठीक ढंग से निर्वाह करने की जगह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनते जा रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये जो ओबीसी को बीजेपी सिर्फ वोट के तौर पर लेना चाहती है और उन्हें हक नहीं देना चाहती, दरअसल ये जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया माना यह जा रहा है कि जिन ओबीसी जातियों को दलित श्रेणी में रखने का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव का यह ट्वीट हो सकता था, लेकिन जब ट्वीट हुआ उसके बाद कहा यह गया कि ट्रोलिंग काफी ज्यादा होने लगी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन था अखिलेश यादव के शासनकाल में सबसे पहले हुआ, फिर बीजेपी ने भी उसी नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट को डिलीट किया है, वो भी ओबीसी पर लिखा हुआ। अब अगली खबर। बागपत में रईस नाम के एक लड़के ने एक लड़की के साथ संबंध बनाए, हालांकि कहा यह गया कि विकास नाम से वो उस लड़की के घर पर रह रहा था, दोनों अलग अलग समुदाय के थे और वो उस लड़की को लेकर फरार हो गया। कुछ दिन बाद लड़की लौट कर आई और अब यह वाकया सामने आया कि उस लड़की ने जब उस रईस को से कोई संबंध नहीं रखा यह कहते हुए कि उसने विकास नाम के लड़के नाम बताकर उसने उसके साथ दोस्ती गांठी थी और बाद में वो रईस निकला तो वो वापस अपने घर आ गई। अब उस लड़के ने पूरे परिवार के सामने सरतन से जुदा की धमकी दी। ये अपने आप में एक बड़ा मामला हुआ, लेकिन आज जब स्वतंत्र देव सिंह से यह सवाल पूछा गया तो स्वतंत्र देव सिंह का जवाब सुनिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरतन से जुदा की बात करने वालों को खींच कर मारा जाएगा। पहले सुनिए स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा है और उसके बाद उस परिवार की आप बीती भी बताएंगे जो इस वक्त बागपत के उस परिवार पर गुजर रही है। एक सवाल मेरा है, एक नई शब्दावली का प्रचलन हो रहा है, सर तन से जुदा कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। ताजा मामला बागपत का है, वहां एक युवक द्वारा एक फैमिली को धमकी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जो भी कानून को छेड़छाड़ करेगा ऊपर उठेगा, वो घर से खींच कर मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी गरीब किसी दलित किसी शोषित वंचित या किसी उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को भी तनिक भी परेशान नहीं किया जाएगा, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान इसी बागपत के घटना के परिपेक्ष में है, लेकिन इस घटना को भी समझ लीजिए कैसे एक लड़की जो कि रईस नाम के लड़के के चंगुल से निकल कर आई
और जब वो अपने परिवार अपने पिता के साथ जा रही थी तो उसे सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई। आप सुनिए क्या कह रहा है उनका परिवार। पाठशाला से जा रहा था दिल्ली की तरफ, वाइफ की मम्मी की तबीयत खराब थी। कब की बात है ये? 18 तारीख की बात है जी। 18 जुलाई की जी। तो बोला कि वहां से मसूरी के पास जाकर लड़का उधर से आ रहा था, रईस नाम का बैठा रहने वाला। बोला कि कहाँ पे जा रहे हो अंकल जी? अभी तुझे क्या मतलब है? कि बोला कि नहीं आपकी लड़की कहाँ पे है, पर तुझे क्या करना है लड़की का? तो बोला कि नहीं आपकी लड़की को मैं फिर से लेकर जाऊंगा, वो मेरे साथ ही जाएगी। मैं भैया तेरे के पहले तुझसे वो नहीं हुआ सबर, हमने इतना वो करा तुझसे, वो करा शिकायत वगैरह करी तेरी, नहीं 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 लड़की मेरे साथ ही जाएगी आपकी, या नहीं तो देख लो मैं क्या करूँगा, फोटो लगाऊंगा असलील उसके, मेरे पास सब चीज़ के फोटो हैं, और आपका भी देख लो सर दर से अलग कर दूंगा मैं, आपका एक बच्चा है उसके बारे में सोच लेना आप। और उसके बाद वहां से ऑटो आया, उसके बाद हाथ दे गया उससे भग गया, घरवाली को काफी उल्टा सुद्धा बोल के गया है। ओम प्रकाश राजभर, जी हां ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में होते हैं, लेकिन कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीजेपी के सांसद पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, जब अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है उसकी खोज बहुत जोर शोर से चल रही थी। और पहले यह बयान सुनिए कि किस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बयान दिया और क्या दिया। यह कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने छुपा रखा है और ओम प्रकाश राजभर को गिरफ्तार किया जाए, और वो भी तब कहा जब बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। पहले सुनिए कुछ दिन पहले दिया गया हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद बीजेपी का यह बयान। अब्बास अंसारी को कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर ने छिपा रखा है। हमें तो पूरा विश्वास है कि ओम प्रकाश अरे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ही अपने घर में छिपाया होगा, और इसके घर पर छापा मारी हो तो शायद अब्बास अंसारी के मिलने का सुराग मिल सकता है, या तो वही गिरफ्तार भी हो सकते हैं या तो उनको मिलने का सुराग मिल जाएगा। कैसे? उनका वही संरक्षक है ओम प्रकाश राजभर ही संरक्षक है, वही संचालन करता है, वो सारी गतिविधियों का वही संचालन करता है। अब उसके ही कहने पर मुख्तार अंसारी और अब्बास जो है काम करते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपराधिक ताना बाना जो है उन लोगों का ओम प्रकाश राजभर ही बनाता है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के घर छापा मारकर उनका गिरफ्तार करना चाहिए और ओम प्रकाश राजभर को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए, सारे भंडाफोड़ हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन जेल गया, उसको जिस दिन टच किया गया, उस दिन सारे पूर्वांचल के आपराधिक प्रवृत्तियों का पर्दाफाश हो जाएगा। और जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने अपनी गाड़ी में छुपा रखा है, जाकर चेक कर लीजिए। आपके एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, भाग रहे हैं कहाँ? भाग रहे हैं कहाँ? पुलिस खोज रही है। अरे पुलिस ना खोज रही है, जिन ढूंढा तीन पाइया मऊ का जनता ढूंढा मिलते ना पुलिस बजट बांध के। नहीं नहीं देखिए, पता चला कि आप अपने पास उनको छिपा के रखे हैं। बस हमारे संगमा गड़िया में देख लीजिए। अरे भाई वो दगे हुए कारतूस की क्या बात कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने उस बात को हल्के में निकाल दिया, लेकिन सियासत यही है। बीजेपी बेशक भले ही ओम प्रकाश राजभर को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन राजभर पॉलिटिक्स ऐसी है जिसने एक दूसरे को सियासी तौर पर एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, और हरिनारायण राजभर अब खुलकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बीजेपी को यह सूट कर रहा है? अब अगली खबर। अब हम आपको बाढ़ के कुछ दृश्य दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ की भयावह स्थिति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। वाराणसी के घाटों से पानी उतरने लगा है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी जहां तक बाढ़ का पानी पहुंचता है, आज उसका पानी भी नीचे आ गया और बकायदा वहां साफ सफाई की गई। आप इन दोनों तस्वीरों को देखिए, लेकिन उसके पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं हमीरपुर की, जहां निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाढ़ पीड़ित इलाके में आज खाना बनाया, एक गरीब परिवार के घर पहुंची और वहां बकायदा गरीब परिवार के बीच बैठकर उन्होंने खाना पकाया और खाना खिलाया। इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद हम आपको बलिया की भी वो तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे स्वयंसेवी संस्थाएं उस इलाके में
लोगों को अनाज और दूसरे राहत बांट रही हैं। तो ये था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत।